हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मेडिटेक्स नॉर्मल आम एक्सरे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये इसका टाइमर होता है। इसमें जो सबसे पहले आ रहा है ये इसका वोल्टेज है, क्योंकि जनरली जो रिकमेंडेड होता है वो होता है 220 से 230, ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्सपोजर टाइम, एंड ये आपको जो सेट करना होता है अकॉर्डिंग टू IOPA, ESP या फिर आप RGB के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो वोल्टेज रखना चाहिए 200 से 210 के बीच रखना चाहिए, और जो एक्सपोजर टाइम है वो आपका 0.01 होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस साइड में देखिए, तो इसमें ये वोल्टेज वाला बटन है। अगर आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वोल्टेज कम किया है तो अभी 209 वोल्टेज आ रहा है, 210 आ रहा है, और जो एक्सपोजर टाइम है ये आपका 0.02 है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो इसका जो फर्स्ट वाला है डिजिट, तो फर्स्ट वाला डिजिट का बटन ये है, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये है। आपको जो भी चेंज करना है आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्सपोजर बटन। आपको वोल्टेज टाइम सेट करने के बाद इस बटन से आपको शूट करना है। तो आप जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे बीप की आवाज आएगी और ये शूट हो जाता है, ठीक है सर। इसके बाद ये इसका ट्यूब हेड है, एंड दिस इज द नॉर्मल आर्म एक्सरे। तो आप आराम से इससे दोनों क्वाड्रेंट कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ से वोल्टेज एक्सपोजर टाइम सेट करके RVG है तो RVG, और अगर आपका IOPA फिल्म है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपको सेट करना है, टाइम सेट करने के बाद यहाँ से एक्सपोजर बटन पर शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ये रिमोट आता है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है जो पहला बटन है आपका। देखिए, इसे प्रेस करेंगे तो पहली डिजिट चेंज होती है, दूसरे से दूसरी होती है, तीसरे वाले से तीसरी डिजिट चेंज होती है। तो आप यहाँ से भी टाइम सेट कर सकते हैं, एंड ये शूट वाला बटन है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे ये आपका शूट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप टाइमर से प्लस रिमोट दोनों तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं।